अब इसका जो एक्सपीरियंस था मरुधर एक्सप्रेस का, जो म्यूज़िक सिटिंग बोलिए, जो कहानी मैंने सुना फर्स्ट टाइम, बहुत ही अच्छा था। मतलब विशाल एक बहुत ही अच्छा डायरेक्टर तो है ही, लेकिन बहुत अच्छा लिरिसिस्ट भी है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, म्यूज़िक डायरेक्टर अगर डायरेक्टर को मिल जाता है लिरिसिस्ट तो कहानी उनका है, तो वो बहुत ही अच्छा गाना लिखा है इसमें। और विशाल को छोड़ के मनोज मुंतशिर जी और रश्मि विराग जी ने गाना लिखे हैं। और इसमें विशाल को जो चाहिए था वो दादा आपका टच चाहिए, उन्होंने कहा था कि मेलोडी जो है तो यमन रागे के ऊपर बनाया, तुम चले गए जो गाना आपने सुने हैं और जो आजकल कम बनता है, तो हमारी कोशिश ये है कि जो कान में अच्छा लगता है जो गाना वही हम बनाते हैं। और जो आपने डांस नंबर सुना है वो मेरा नहीं है, वो अलग कंपोज़र का है, लेकिन वो अच्छा गाना है। बट मेरा जो तरीका है गाना बनाने के लिए, आपने आप जानते हैं फ्रॉम आशिकी टू, खामोशिया, मुस्कुराने की वजह तुम हो, सुनो ना संगे मरमर, हमारी अधूरी कहानी, तो मेरा एक स्टाइल है वो, तो इसमें मैंने कोशिश किया कि मेलोडी रखने के लिए। एंड सर आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इतना अच्छा मूवी आपने बनाया, थैंक यू। हम बताइए सर, दिस इज लकली मतलब विशाल इज माई चाइल्ड हुड फ्रेंड एंड ही इज डिसाइडेड टू दिस कम्प्लीट मूवी इन द कानपुर। पहले वो आए तो उन्होंने बोला कि कानपुर एंड यूपी में शायद शूट करना क्या इजी होगा कि नहीं, बट आपको बताएं कि यूपी एंड कानपुर इज वेरी सपोर्टिंग। और ये मूवी में इन लोगों ने भी देखा बहुत ईजिली एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट एंड ऑल पब्लिक सपोर्ट, ऐसा नहीं जैसे मतलब लोगों का परसेप्शन था कि वहाँ शूट करना थोड़ा टफ होगा। और इस समय तो बहुत सारी मूवीज़ का शूट हम लोगों के यहाँ हो रहा है, तो हमारा एंड से जो एज ए प्रोड्यूसर हम जो मैनेज कर सकते थे वी डन ऑल। एंड मैंने देखा कि इतना टीम वर्क, इवन आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट आई एम टेलिंग यू कि इट इज गोइंग इन डिटेल, इट इज बिग टीम वर्क, टेक्निकल एंड ऑल स्किल, एंड आई जस्ट यू कैन से ये फिल्म नहीं आसान, मतलब आई कैन से कि ये बहुत बड़ा टीम वर्क होता है फिल्म बनाना, जो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है एंड आई लर्न सो मच एंड थैंक्स टू विशाल एंड दादाजी जो सब ने इसको पूरा कंप्लीट किया। सर आपसे जानना चाहूँगा, हाँ जी, जानते हैं ओरिजिनल गाने बनाने के लिए आजकल जो है बहुत सारे रिक्रिएशन भी किए, राइट, तो आप एज अ म्यूजिक डायरेक्टर क्या सोचते हैं सर? देखिए भाई, मेरा कहना ये है कि बहुत सारा गाना हम लोग सुनते हैं जो रिक्रिएट हो रहा है अभी, कोई गाना पंचमदा का है, कोई गाना एलपी जी का है, कोई गाना नुसरत साहब का है। जब मैं क्रेडिट लिस्ट में जाता हूँ देखने के लिए नाम, कभी कभी बहुत दुख लगता है कि उनका नाम नहीं रहता है, उनका नाम पहले आना चाहिए, फिर जो रिक्रिएट कर रहा है, अगर कोई भी कंपोज़र रिक्रिएट कर रहा है उनका नाम बाद में आना चाहिए, क्योंकि वो गाने का जन्म तो हो गया ऑलरेडी, आप रिक्रिएट कर रहे हो। तो ऐसा गाना जो पंचमदा का गाना हो या एलपीजी का गाना हो या किसी कंपोजर का गाना ही हो, उनका गाना, उनका नाम पहले आना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से म्यूज़िक कंपनीज को और सारे प्रोड्यूसर्स को, डेफिनेटली। और ये काम ख़राब नहीं है डेफिनेटली, लेकिन कभी कभी सुनता हूँ कि गाना बहुत अच्छा लगता है रिमेक करके, कभी कभी लगता है कि नहीं ठीक नहीं लगता है, ये तो होता ही है, लेकिन कम से कम गाना सुन रहे हैं पुराना गाना, आजकल के बच्चे जो नए नए हैं उनको भी सुनने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।